Good afternoon, students. Now, today I'm going to start your new chapter. Your chapter number is 26. Chapter name is pronouns. On the page of 77 page पे आपकी ग्रामर की बुक में ये चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस होता क्या है? आप लोगों ने अब तक नाउन पढ़ा था. नाउन में क्या था? द नेम, नाम किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, वस्तु का. अगर नेम होता है, नाम होता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? नाउन. और ये दो तरीके के नेम होते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? आप ध्यान से सुनिएगा. जब आपको नाउन पता होगा तभी आप नाउन्स पता होंगे तभी आप प्रॉपर नाउन्स को कर पाएंगे. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो नाउन होता है, सपोज़ बेटा जैसे आपके सबके घर में कैट और डॉग होते हैं, ठीक है? तो अगर हम कहेंगे कि हमारे घर में एनिमल है, कौन सा एनिमल है? कैट और डॉग. अगर हमने बोल दिया कैट और दूसरा हमने बोल दिया डॉग, ठीक, तो ये आपके हो जाते हैं कॉमन. कॉमन नेम है इनका, ठीक है? इन नेम से सभी जानते हैं कि हाँ, ये कैट मीन्स बिल्ली होती है और डॉग मीन्स कुत्ता होता है. अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर नाउन की, हमारे घर में कैट है तो हम कैट का कोई भी नेम रख दें. अगर हमने कैट का नेम रख दिया है मोनू, ठीक, तो मोनू जो हो जाएगा वो कैट का एक प्रॉपर नेम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये नेम जो है बेटा किसी को पता नहीं होगा, ये पता उन्हीं को होगा जो हमारे घर में उस बिल्ली के नाम को जानता होगा. हम कहेंगे हमारे घर में मोनू है. अगर मैंने कहा मेरे घर में मोनू है तो आप लोग कहोगे मोनू कौन? किसी भी बच्चे का नेम हो सकता है, किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है मोनू. तो ये एक होता है प्रॉपर, प्रॉपरली हमने उस चीज़ को दिया है, उसका नेम प्रोवाइड किया है. कॉमन मीन्स जो कॉमनली सबको पता है. हाँ, कैट माने कैट होती है, बिल्ली होती है. दुनिया में आप किसी से भी पूछेंगे कैट मीन्स तो सब कहेंगे बिल्ली. लेकिन अगर कोई कहेगा मोनू मीन्स, तो मोनू मीन्स तो बहुत सारे नाम हो रहे हैं. या तो किसी लड़की का होगा, लड़के का होगा, प्यार में किसी को भी मोनू कह सकते हैं, ठीक है? तो यानी जिस चीज़ को हम प्रॉपरली नेम देते हैं अपनी तरफ से, उसे प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं आपके प्रॉपर नाउन. और जो सबको पता होते हैं इनका मतलब क्या है, वो होते हैं आपके कॉमन नाउन. अब हम ये तो हमने आपको रिवाइज करवा दिया नाउन. अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की. प्रोनाउंस होता क्या है? नाउन, लुक एट हियर इन अ बॉक्स, अ वर्ड डैट इज यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन. इंस्टीड माने होता है इसकी जगह पर, इसके प्लेस पर. वो वर्ड, शब्द लिखा है ना, वर्ड जो यूज होता है, इस्तेमाल होता है किसकी जगह पर? इंस्टीड ऑफ अ नाउन. नाउन की जगह पर कोई वर्ड अगर यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. फिर से सुन लीजिए एक बार. नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर, इंस्टीड माने होते हैं जगह पर, ठीक है, कि प्लेस पर. नाउन की जगह पर कोई भी वर्ड यूज्ड होता है उसे हम कहेंगे प्रोनाउन. क्या कहेंगे उसे हम? प्रोनाउन. और नाउन आपको सबको पता है किसी भी चीज़ का नेम, चाहे वो कॉमन में हो या फिर प्रॉपर में हो. अगर इसकी जगह पर हम कोई भी दूसरा शब्द यूज़ करते हैं तो वो होता है आपका प्रोनाउन. और प्रोनाउन आपके कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउन आपके होते हैं शी, ही, दे, इट, वी, हर, अर, अस और एक्सेट्रा. ठीक, इतने सारे आपके प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन शी, ही, दे, इट, वी, हर, अवर, अस और एक्सेट्रा. और भी कुछ आपके प्रोनाउंस होते हैं जो आगे हम आपको जब चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे आपको समझ आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि व्हेन वी आर यूज प्रोनाउन. अब क्वेश्चन आपका ये अराइज होता है, ये पुट अप होता है कि हम प्रोनाउन का यूज कब करेंगे और कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है? नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, रीड दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को रीड करिए. सना इज अ गुड गर्ल. सना डज हर वर्क होमवर्क एवरी डे. सना एक अच्छी लड़की है और सना अपना काम हर रोज़ करती है, यानी होमवर्क.
अब हम कैसे यूज़ करेंगे प्रोनाउन को, यहाँ तो देखिए यह नाउन हो गया, सना क्या होता है, नाउन किसी का नेम है, यहाँ पे भी सना किसी का नेम है। सेकेंड सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि प्रोनाउन का यूज़ हमें कैसे करना है और कहाँ करना है। सना इज़ अ गुड गर्ल, सना एक अच्छी लड़की है। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सना के बारे में। तो क्या ये ज़रूरी है कि दोबारा से हम फिर सना का नाम लें, नहीं ना, एक बार हमने नाम ले दिया तो यानी समझ में आ रहा है कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सना के बारे में बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बीच बीच में हम सना का नाम लेते रहें या फिर लिखते रहें। तो इन ऑन द प्लेस ऑफ सना, सना के प्लेस पर हमने किसका यूज़ करा, शी, क्योंकि सना क्या है, फीमेल है, लड़की है, और फीमेल्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शी का यूज़ करते हैं। तो सना के प्लेस पर, सना के नेम के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, शी, और शी आपका क्या है, प्रोनाउन, क्या है आपका, प्रोनाउन। बाकी का सारा सेंटेंस आपका सेम है, सना इज़ अ गुड गर्ल, शी डज हर होमवर्क एवरी डे, सना एक अच्छी लड़की है और वो अपना होमवर्क हर दिन करती है। ऊपर वाले में क्या आ रहा था, मतलब सना एक अच्छी लड़की है, सना अपना काम हर दिन करती है। नीचे क्या आ रहा है, सना एक अच्छी लड़की है और वो अपना होमवर्क हर दिन करती है। बात तो दोनों में सना की हो रही है ना, लेकिन बस सना का नेम हटा के हमने किस क्या कर दिया, शी। यानी कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार उसका अगर हमने नेम ले लिया है, तो सेंटेंस में या पैराग्राफ में अगर हम उसके बारे में और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो दोबारा उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रजत का नेम है और यहाँ पे भी आपका रजत का नेम है, बट रजत का नेम जब हमने सेकंड सेंटेंस में ले लिया है एक बार, तो दोबारा हमें उसका नाम यहाँ पे लिख क्या करने की जरूरत, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रजत हमारा मेल है, तो मेल की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, ही। बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस आपका सेम रहेगा, यानी आप बात तो वैसे ही करेंगे, लेकिन नाउन को हम दो बार यूज़ नहीं करेंगे एक ही सेंटेंस में। एक ही बात को अगर हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। लुक एट दिस थर्ड सेंटेंस, दिस बुक बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, ये बुक कहाँ से बिलोंग करती है, लाइब्रेरी से। द बुक इज़ अ न्यू वन, ये बुक क्या है, एक न्यू है, यानी कि नई है। अब बुक का हमने यूज़ यहाँ पे भी कर लिया, अब बुक का यूज़ यहाँ पे भी कर लिया। ज़रूरी है कि हम दोनों बार बुक का, बुक के बारे में बोलें, पता है एक बार में कि हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, सेकेंड सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, ये बुक लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। इट इज़ अ न्यू वन, ये न्यू है। ज़रूरी है बोलना कि ये बुक भी न्यू है, बुक लाइब्रेरी से है, बुक न्यू है। दो बार बुक बुक बोल दिया हमने, लेकिन नहीं, अब हम एक ही बार बोलेंगे सेंटेंस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। बुक क्या है, लाइब्रेरी से बिलोंग करती है, इट माने ये न्यू है, ये एक न्यू है, ठीक है। यानी बुक क्या है, हमारी वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी कि वस्तु के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। नाउ आई विल गिविंग यू दिस एक्सरसाइज, मैं आपको ये एक्सरसाइज दूंगी। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, पिक आउट द प्रॉपर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैम इन द ब्लैंक स्पेस। आपको इसमें से क्या करना है, प्रॉपर को पिक आउट करना है, जो भी सेंटेंस में प्रॉपर पे है उन्हें पिक आउट करके यहाँ पर आपको राइट करना है। ओके okay?